हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होपफुली सब अच्छे होंगे दोस्तों और स्वस्थ भी होंगे। और ये देखिए सोनू जा रहे हैं ऑफिस के लिए, अभी रेडी हो गए, नाश्ता भी कर लिया, 9:15 बज गया है दोस्तों। और ये अपना भाग ले रहे हैं अपने ऑफिस के लिए। बाय बाय। ये देखिए दोस्तों, साई आ चुका है स्कूल से घर और आके मैं टीवी देख रही थी तो अपना चैनल लगा लिया मिस्टर ने। और बताए आज मैं ना चिल मार के बैठी हूँ, मूवी देख रही, कठपुतली लगा ली थी मैंने, वो देख रही थी और मस्त अच्छा था, टाइम बहुत अच्छे से कट गया। और इतना कट गया कि ये ध्यान नहीं रहा कि खाना भी बनाना है दोस्तों। और आज धूप निकल रही है तो सब सारा सामान कारपेट वगैरह सारा सब बाहर निकाल के सुखा के फिर थोड़ा थोड़ा उठा के अंदर भी कर ली बीच बीच में, ऐसे की हूँ, खाना बना ही नहीं हूँ अभी। साई आ चुका है लेकिन मैं जल्दी से भी खाना बना दूँ, क्योंकि मैं साई के लिए सुबह सब्जी मैगी में पनीर की वो भी रखी है, अगर साई खाएगा तो पनीर से खा लेगा, ठीक है। नहीं तो मैं भी आलू मटर बना लेती हूँ और इसको पहले निराऊंगी फिर उसका खाना वाना बना लेती हूँ। तुम्हारा नहाने का पानी हो चुका है मिस्टर, चलो जल्दी तो पानी चला दिया मैंने। देखो साई ने देखो अभी कपड़े कहाँ फेंक दिए, देखो दोस्तों, लेकिन साई डेली नहीं फेंकता, लेकिन आज फेंक दिया साई ने। साई डेली कहाँ रखता है, जल्दी गाय मम्मी नहीं बोला है कि यहाँ फेंका करो। अरे देखिए आज का कोइंसिडेंस, दोनों जन साथ में आ रहे हैं आज। क्या हुआ, टेंशन में लग तो रहे हो टेंशन में? अरे नहीं है टेंशन। अरे है ना, मुझे टेंशन, मुझे बताओ। यस यस, साई सॉल्व कर देगा। कुछ तो है, कुछ तो है मेरे दर में। क्या हुआ था, ये मिल गया मतलब? अरे ये तो आज आया, फिर से गाना गाना, फिर से गाना गाना। कुछ तो है तेरे मेरे दरमियान रब्बा। बेटा जाओ पानी गर्म हो गया, नहा लो। आइए देख कैसे डैडी की आँख हाँ हूँ चलती रहती है इसकी, खाना खिला रही। देखिए पनीर की बनाई थी सब्जी सुबह और लेके आधी बचा के लेके आया खाना। कल स्कूल है, स्कूल है, छुट्टी है, मैसेज तो आ ही चुका ना पहले से ही। देखिए तो मैं सो रहा, अब मैं उठ गई हूँ, सोनू चले गए ऑफिस के लिए, तो ऑफिस के लिए गए एक्चुअली। ये लोग जा रहे हैं आजकल, अपने रिहर्सल चल रही है इनकी, वही जो गाना गा रहा है वो गाना और जो डांस कर रहा है वो डांस, तो वही इनको भेजा है। और आज तो दिन में इतना अच्छा हो गया, पूरा दिन खुला है भाई हमारे यहाँ मौसम। और देखिए बंदरों का आज मेला लग गया, फिर से बंदर आने लग गए कपड़े खाने। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद हम अपनी स्कूटी पर जाएंगे सवार होके, और कुछ को सामान लेके आना था, एक्चुअली पिज़्ज़ा वेस लेके आए थे तो पिज़्ज़ा बनाना था बच्चों के लिए, तो चीज़ वगैरह है नहीं घर पे तो वो सब ले लिया। तो चलिए अभी चलते हैं पहले बाहर की तरफ, बाहर का नज़ारा इंजॉय करते हैं, बहुत दिनों के बाद खुला मौसम अच्छा वाला है। चलिए कि हम सामान लेने जा रहे थे तो देखिए ग्राउंड में ना कुछ कुछ काम चल रहा है उधर, ना फ्लोर को तोड़ दिया है, बास्केटबॉल वाले फ्लोर को तोड़ दिया है। इधर ग्राउंड में ना बहुत सारे लड़के लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं वो खेल रहे हैं, मतलब काफ़ी दिनों के बाद देख रही हूँ ये सब नज़ारा, तो अच्छा लगता है। एक्चुअली हम लोग को तो स्पोर्ट्स वगैरह की ये सब चीज़ें पसंद है ही, तो फुटबॉल वगैरह खेलने तो फुटबॉल भी बहुत अच्छा लगता है, तो गेम देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं जो। मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है। तुम सब कुछ अच्छा लगता है? हाँ देखिए अभी देखिए बच्चे लोग तो खेल रहे हैं, खेल हम थोड़ा सा देख भी लिए बच्चों का गेम, अभी हम चलते हैं अपना मार्केट सामान लेके आ जाते हैं, चलो है ना। और मेरा भी। तुम्हारा क्या सामान है, क्या सामान है तुम्हारा, क्या सामान है पहले वो बताओ। गाती। गाइस अभी वो मजा आता है ना लेकिन गेम देखने में ना। अभी हम सामान ला रहे हैं, मेरा भी सामान है। तुम्हारा सामान है बुगाती, बुगाती फिल्म चल रहा है क्या? हाँ बुगाती, वो भी नकली की नहीं असली की। असली कितने पैसे हैं मेरे पास? हाँ है ना, है ना, मम्मी को भी किडनी बेचनी पड़ेगी तुम्हारी बुगाती फिल्म भी नहीं। अरे मुझे देखे एक रुपया से लेंगे वो लोग। अच्छा आपको देखे जो मैं इतना सुंदर बना हुआ। ओहो आप सुंदर हो, कौन बोला आपको? मुझे भेज देना ठीक है, आप आराम से बुगाती लेके घूमे, यहाँ पर कोई नहीं मुझे मना करेगा। गाइस देखिए कितनी सारी मार्केट है, यहाँ पर
डिग्गी में आ नहीं रहा सामान, तो एक थैली मंगाइए साई से। अब थैली में रख के आगे ले जाएंगे आधा सामान, है साई? मैं डालेंगे पहली बार। दोस्तों अभी देखिए हम लोग आ रहे थे, तो अभी गाड़ी में देखिए पेट्रोल खत्म हो गया, और इतनी बुद्धू मैंने ध्यान भी नहीं दिया, अभी पीछे जाके बात हो गई। गाइस इन्होंने पावर पे दे दी, पावर पे ही सारी खत्म हो गई। पावर भी ज्यादा होती है ना खत्म। अच्छा अच्छा, चलिए पीछे एक शॉप है, बात हुई है फोन पे, तो वही बता रहे हैं वहाँ पे शॉप है, तो चलो उस पर डलवा लेते हैं पेट्रोल, ठीक है? नहीं तो कल्याण हो घर पहुँच नहीं पाएंगे। चलो जोर से निकालना होगा मुझे यहाँ से, चलो निकालो। मम्मी पेट्रोल देखो, पेट्रोल नहीं मिलेगा तो पैदल ही चलना पड़ेगा। यहाँ खड़े रहो आप, यहाँ खड़े रहो गाड़ी के पास। पेट्रोल का गाड़ी चलाया जा रहा है, इतने चार पाँच दिन से तो रखी है ना, चार पाँच दिन से और ज्यादा हो गया अब तो। कहाँ बारिश हो रही तो कहाँ चल रही है, लिफ्ट मंगाना पड़ा। लिफ्ट में क्या है? टीप से मैं बाहर चुका है। हाँ हो गई, हो गई। गाइस और चल तो गया फाइनली। चलिए गाइस फिर चलते हैं। और गाइस अगर हम वहाँ तक होते हैं, देखिए दोस्तों अगर हम, अच्छा हुआ कि मंदिर के पास में ही जाके हमारी गाड़ी रुकी, नहीं तो मतलब कैसे करके आते, और वो भी विकास को फ़ोन कर देते तो वो आगे बेचारा लिफ्ट लेके आया कि चलो मेरे को ज़रूरत है तो करके आ गए मेरे पास में। मैं भी जाके दुकान पर पहुँच भी गई कि ले लो, चलो ले लेती हूँ, आज तो भयंकर हो गया। चलिए अब घर पर मिलते हैं, रास्ते में बात नहीं करते। 7 तो बज गया। हाँ 7 तो बज गया, या बाल इतने बड़े हो गए, संडे को कटवाने हैं तुमको बाल, कुछ भी हो जाता है, समझ रहे हो? पता है दोस्तों क्या बोलता है, ध्रुव भैया के तो पूरे यहाँ तक के बाल है, मेरे तो यहाँ तक ही आते हैं, मैं नहीं कटाऊंगा, ऐसे बोलता ध्रुव भैया से पता करता है। तो यही है दोस्तों, मतलब इशू बोल रहा था जब मैं जा रही थी, बोला था फ्यूल, मम्मी फ्यूल कम है, उसमें पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो मैं हाँ ठीक है नहीं हो रहा कहीं ऐसा करके, मैं यहाँ तक ही तो जाना, कहीं नहीं होगा इतनी जल्दी। काफ़ी दिन से एक्चुअली मैंने चलाई नहीं स्कूटी, तो इतना दिमाग में भी नहीं रहा कि ये बोल रहा था, तो मैंने इग्नोर कर दिया मतलब, लेकिन सुनना चाहिए था बच्चे की बात को ना। और ये भी अच्छा है कि दोस्तों कि वहाँ जहाँ पे मेरी स्कूटी रुकी थी वहीं पीछे में ही शॉप थी, तो उस पर मिलता है पेट्रोल, तो लिए 100 रुपये का पेट्रोल 120 में लेके आए, बताओ तब डाला है, हो गया। चलिए गाइस मैं आपको बता रहा था ना, वहाँ तक होते तो नहीं डलवा पाते। हाँ नहीं, तो उतर के जाना तो पड़ता ना, पेट्रोल लेने जाना पड़ता, चाहे पैदल जाना पड़ता है, कैसे भी करना पड़ता है, जानते तो थे ना, स्कूटी को थोड़ा खींच के लेके आते। चलिए दोस्तों अभी चलिए बच्चों के लिए स्नैक्स बनाना है, पूजा कर लेते पहले, फिर उनके लिए पिज्जा वीज़ा बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों पिज्जा हो गया रेडी, और साई खा भी रहा था, देखिए इसका मुंह दिखाओ, साई मुंह दिखाओ अपना, वैसे मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, पूरा यहाँ पे पूरा बन गया मुंह। बताइए दोस्तों, सोनू आए थे आके, चाय नाश्ता किया और फटाफट से चले गए क्लब में ना, क्योंकि उनका वो प्रोग्राम चल रहा है, कल जो प्रोग्राम है उसके चलते। अरे गाइस हमें नहीं लेके जाते। हाँ वो प्रैक्टिस कर रहे ना अपनी। देखिए सारे कपड़े जो है अभी फोल्ड करने, स्टैंड पे भी लगे हुए हैं कुछ, यहाँ पे मैंने फोल्ड किए हैं, और बच्चों को देखिए पिज्जा मैंने पहले खिला ही दिया, तो बस मैं इन कपड़ों में लगी, क्योंकि आज सारे कपड़े सूख भी गए, तो सारे मैंने कपड़े फोल्ड कर लेते। तो आज का दिन काफी अलग ही रहा, मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहा है लाइफ में, मतलब पहले जब कार का कुछ हुआ था दिक्कत जो नई स्टार्ट हो रही थी, आज स्कूटी का दिक्कत हो गया, तो मतलब लाइफ है ये, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही रहता है। चलिए दोस्तों तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करेंगे, होपफुली आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।